आज के युग में अक्सर लोग नाम के लिए काम करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए उनका काम ही चिड़िया की आंख होता है, जिस पर हर समय उनकी नज़र रहती है। उनका नाम सामान्यतः कहीं नहीं आता, उन्हें कोई इनाम और बड़ाई की आवश्यकता भी नहीं होती। इनमें से एक ऐसा ही नाम है गुड़ागांव के बाबूलाल मीणा का, जो कि गाँव के सरकारी विद्यालय में क्लर्क रहे हैं। शुक्रवार को उनका सेवानिवृत्त कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दादू द्वारा महामंडलेश्वर अर्जुन दास महाराज ने कहा, मनुष्य को हर समय हर दिन कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। बाबूलाल मीणा बेहद सादगी, जुनूनी कर्म व निस्वार्थ लोग ऐसे वक्त में मुश्किल से मिलते हैं। सरकारी विद्यालय में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बाबूलाल मीणा को स्कूल के समस्त स्टाफ एवं संत महात्माओं द्वारा मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र भेजकर उनका सम्मान किया। इसके बाद बाबूलाल मीणा को घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ करीब 2 किलोमीटर तक जुलूस निकाला। उनके जुलूस में विद्यालय के विद्यार्थियों एवं गाँव के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गौरतलब है कि बाबूलाल मीणा सरकारी सेवा के दौरान से ही पवन पहाड़ी गुड़ा से लेकर मनसा माता की पहाड़ियों में पर्यावरण की रक्षा हेतु बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र में मिसाल है। लाल जी, अन्य जो भी सेवा निवृत्ति का मतलब है कि आपकी एक सेवा पूरी होगी। अब बाबा जी का जो इशारा था कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या था, क्या है, उस बिंदु की तरफ अंतर्मुखी साधना और बाहरमुखी साधना जो है वो मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य पूरा तभी हो सकता है जो आदमी सत्कर्म सत्य धर्म को न्याय पे चलता है। और इसी मार्गदर्शन में हम लोगों को यही कहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोकप्रिय रहे हैं है और आगे भी आपकी लोकप्रियता यही व्यवहार अगर आप कर रहे इससे भी अच्छा व्यवहार रहे और समय निकाल करके बच्चों का और यहाँ पे अध्यापकों का सहयोग करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः संत समाज के और बुजुर्गों के मातृशक्ति के चरणों में वंदन और सभी महानुभावों को परम सम्मानी।